ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप का यूज क्या है? इट इज यूज टू सी। ठीक है, टेलीस्कोप का हम बता रहे हैं कि इट इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंट पोजिशंस। डिस्टेंट पोजिशन, ठीक है, डिस्टेंट पोजिशन क्या हुआ, जो काफी दूर है जो ऑब्जेक्ट, उनको देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, सो टेलीस्कोप इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंट पोजिशन। ओके, अब जो टेलीस्कोप होते हैं, टू टाइप्स के टेलीस्कोप हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो होते हैं जिसमें कि लेंसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, लेंसेस, लेंस आर यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स आर इन विच द लेंस आर यूज और द लेंसेज आर यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल द टाइप ऑफ, अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, तो इन अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या काम आता है, दिस टेलीस्कोप इज यूज टू सी, दिस टेलीस्कोप इज यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स। हेवनली ऑब्जेक्ट्स मीन्स लाइक लाइक सन, मून, स्टार्स, ओके, प्लैनेट्स एटसेट्रा। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते क्या है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप क्या होते हैं, जिनकी लेंस को यूज किया जाता है टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू टाइप्स के मेन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं, वन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इन केस ऑफ अ एस और इन केस ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। हेवनली ऑब्जेक्ट्स मींस लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लेनेट्स एटसेट्रा। टू सी दीज ऑब्जेक्ट, दीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, वी यूज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नाउ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या यूज होते हैं, दिस टेलीस्कोप इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स एट अर्थ। ओके, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या करता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स आर यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट द अर्थ। ओके, और ऑन द अर्थ। ओके, सो दीज आर द यस सर, टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नाउ लेट्स सी बी, सेकंड टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिरर्स आर यूज्ड टू सी। ठीक है, मिरर और मिरर्स आर यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ओके, न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज अ एग्जाम्पल ऑफ
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट द डिस्टेंट पोजिशन और टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके नाउ दो टाइप के हैं इसका. फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सेकेंड इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. What is a refracting telescope? In case of a refracting telescope, the lenses are used to see the distant objects. Okay, two types of refracting telescope: astronomical telescope and terrestrial telescope. Okay, in case of astronomical telescope, the astronomical telescope is used to see the heavenly objects. Heavenly objects means sun, moon, stars, planets, etc. To see sun, these moon, objects, stars. Okay, all these things, heavenly objects. If you want to see, then we use the astronomical telescope. And in case if you want to see the objects on the earth, okay, so then we use the terrestrial telescope. Okay, another type of telescope is reflecting telescope. In reflecting type of telescope, mirrors are used to see the distant objects. Okay, some of the one of the example of the reflecting telescope is Newtonian telescope. Okay, in our syllabus we have the astronomical telescope. So now we will see the ray diagrams of the astronomical telescope and the formula for the astronomical telescope. Okay, magnification, obviously magnification ka formula dekhenge sir. So now we are going to study about the astronomical telescope. Okay, so as we know that telescope is used to see the objects at the distant position and astronomical telescope is used to see the heavenly objects. Okay, so isme hota kya hai, ab astronomical telescope is a type of refracting telescope. Ye kya hota hai, refracting telescope ka type hai. To refracting telescope ka matlab isme kya hoga, lens use honge. Theek hai, to isme do lens use hote hain. First lens jo hota hai usko bolte hain objective. First lens jo hoga usko bolte hain objective. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज एपरेचर. ठीक है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज एपरेचर एंड फोकल लेंथ. ओके, लार्ज एपरेचर एंड लार्ज फोकल लेंथ. ओके, तो उसको तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट की साइड होता है. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं. इसकी फोकल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एफओ से, स्मॉल एफ. स्मॉल एफओ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो पहला जो लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस है और उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, नाउ द सेकंड लेंस इज कॉल्ड आईपीस. ठीक है, सेकंड जो होगा क्या होगा, सेकंड जो है इसको बोलते हैं ये एफओ. क्या सर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफओ. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना, अब आईपीस क्या होगा, आईपीस इज ऑल्सो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. It is a convex lens of relatively means objective से compare कर रहे हैं अपन, relatively less. ठीक है, relatively less aperture at focal length. ठीक है, focal length को किससे represent करेंगे, eyepiece की FE से represent करेंगे. ठीक है, it is towards the eye so that it is called eyepiece. ठीक है, आई के पास में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, आईपीस कहते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे को बोलते हैं आईपीस. ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो आई के पास में होता है उसको आईपीस बोलते हैं, या आई की तरफ जो होता है उसको आईपीस बोलते हैं. जो ऑब्जेक्टिव होता है इस केस में
वो क्या होता है, लार्ज अपरेचर का होता है एज कम्पेयर टू आई पीस, है ना, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपरेचर का इसलिए क्या करा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो रेज आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से वो क्या हो, इसके अंदर आ जाए, इंसर्ट हो जाए इसमें, तो इसलिए लार्ज अपरेचर का बनाते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, आई पीस जो होता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, पर रिलेटिवली लेस अपरेचर का होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ई से, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करेंगे एफ ओ से। ठीक है, एफओ हाँ, अब इसमें भी वही दो केसेस हैं, टू केसेस हैं, जैसे अपन केस वन की बात करते हैं, तो केस वन इज व्हेन व्हेन इमेज, इमेज मतलब हम बात कर रहे हैं फाइनल इमेज। ठीक है, व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसी पॉइंट को आप कैसे और लिख सकते हो, यही पॉइंट ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, व्हेन व्हेन आई इज फोकस्ड, ठीक है, व्हेन आई इज फोकस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस तरह से भी आपको मिल सकता है ना। सो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो अब सबसे पहले तो इसका रे डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं, बिकॉज रे डायग्राम हमारे पास होगा तभी हम उसको आसानी से समझ पाएंगे ना, अच्छे से अपन को अंडरस्टैंडिंग होगी। सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अपन आते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। ओके, सो दिस इज अ ऑब्जेक्टिव, सो ऑब्जेक्टिव की थोड़ी क्या है, लार्ज अपरेचर का है ऑब्जेक्टिव, ओके, सो दिस इज अ ऑब्जेक्टिव, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ द रेज आर, रेज आर बिकॉज द हेवनली ऑब्जेक्ट्स आर एट द वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेज आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, जो भी रेज आ रही है इंफिनिटी से, मतलब काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है रेज, तो वो रेज आप ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, रेज आएगी। सो ओके, लेट सी, दीज आर द रेज एंड ठीक है, सो दीज आर द टू रेज एंड दीज रेज आर कमिंग फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां से रेज आ रही है, सो दीज आर द टू रेज पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो नाउ आफ्टर रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन होगा इनका, रिफ्रेक्शन थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ दे विल पास थ्रू लाइक दिस, फोकस हाँ ना ना, आफ्टर दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिट, फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंट से आ रही है, तो इमेज जो फॉर्म करेंगी वो कहाँ पर फॉर्म करेगी इमेज, देखो आप, दे विल फॉर्म द इमेज है, अभी देखना, जैसे ये आपने रिफ्रैक्शन हुआ इसका, और इस तरह से ये रिफ्रैक्ट होके रे आ गया, है ना, ध्यान से देख के आना। नाउ लेट सी द नेक्स्ट रे, दिस इज द रे, तो ये सीधी पास हो जाएगी, है ना, इसको कुछ इस तरह से करते हैं कि थोड़ा अपना जो रेट डायग्राम है वो प्रॉपरली थोड़ा ड्रॉ हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो लेट्स सी, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, डायरेक्टली सीधी पास हो जाएगी, सीधी पास कर दो आप इसको, तो ये क्रॉस एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करते हैं, लेट्स से हियर दे क्रॉस ईच अदर। ओके, सो पहले तो ये ध्यान रखना, दीज आर द टू रेज आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है रेज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, दीज आर द टू रेज आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स,
Now, after refraction, these rays, after refraction, they intersect at this point. ठीक है, यहाँ पर ही इंटरसेक्ट होगी, तो जहां पर भी इंटरसेक्ट होगी वहां पर क्या बनाएगा, इमेज फॉर्म करेगी. सो दिस इज द इमेज दे विल फॉर्म. ठीक है, इस इमेज को कर देते हैं, आप ध्यान से देखना. दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश. नाउ दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल थी या रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्म करी, तो इमेज कहाँ फॉर्म करेंगे, फोकस पे फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. दिस वन इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया. नाउ दिस डिस्टेंस, ये जो इमेज बनेगी फर्स्ट वाले से, ये इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, इसके फोकल लेंथ कहाँ पे बनेगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. सो अपन इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ ओ से. ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस एंगल एज अल्फा, लेट्स टेक दिस एंगल एज अल्फा, है ना. सो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा. तो आज मैं वो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको रे डायग्राम, ताकि आसानी से आप समझो बात को. उस दिन मुझे लगा कि मुझे ड्रॉ करने चाहिए रे डायग्राम, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर इससे आपको अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव से हमारी इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश. क्लियर है. अब क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी. तो इसको हमने लिख दिया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ, और ये अल्फा ही अल्फा. ओके, यहाँ तक आ गए अपन. नाउ लेट्स ड्रॉ द आई पीस. अब हम किसको ड्रॉ करते हैं, आई पीस को ड्रॉ करते हैं. तो आई पीस के लिए देखो आप, थोड़ी आपको तो रीड इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते क्या, न्यूमेरिकल्स है ना, अपने करे तो थे और करेंगे अभी, है ना. न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बिल्कुल बनते हैं और आगे कंपटीशन में भी बनते हैं, ये भी ध्यान. तो ये हमारा हो गया आईपीस. ठीक है, अब आईपीस पे से, अब इस आईपीस के लिए जो ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, दिस इमेज इज वर्क एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स टेक द टू रेज. फर्स्ट रे हम ये बनाते हैं, दिस इज द फर्स्ट रे, ये आई यहाँ पर. ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस. तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास हो जाएगी इस तरह से, ये फोकस से पास. ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, इट इज अ फोकस ऑफ आई पीस एफ ई. ओके, एक रे तो आपने ड्रॉ कर ली. ठीक है, नाउ लेट्स टेक, अच्छा इस पॉइंट को ई कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस. नाउ लेट्स सी द अनदर सेकेंड रे. सो दिस इज द सेकेंड रे, हम इसको कहाँ से पास करें, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से ये कुछ इस तरह से पास ले. ठीक है, इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर लाइक दिस. तो ये दो रेज आ गई, है ना. अपनी मर्जी से बेंड कर सकते हैं क्या लाइट को, क्या क्या कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपन ने बेंड करी ना सर इसको, लाइट को बेंड करा ना सर अपन ने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी ना ये, है ना. और एक ऑप्टिकल सेंटर, हाँ ये ऑब्जेक्ट है अपना एडेश बीडेश इस आई पीस के लिए. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. अब क्या करें आगे, तो ये अब ये देखो, ये फोकस जो है आई पीस का फोकस यहाँ पर कहीं होगा. क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अब इसको भी मैग्नीफाइड करना है ना, इस एडेश बीडेश को भी. तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, आई पीस के फोकस के बीच में आने चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बीच में रख दिया. तो अब इससे आप बनाओगे तो जो इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, आप इसको एक्सटेंड करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करने चाहिए, है ना. तो देखो पूरा करते हैं डायग्राम, तो थोड़ा आप ध्यान रखना, अब भी जब भी इसको रे डायग्राम बनाए प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना. तो इसको बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, सही बैक साइड एक्सटेंड करा आप. ठीक है, तो ये रे आके यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पर ये रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे अपनी क्या बनेगी, फाइनल इमेज. तो फाइनल इमेज कुछ इस तरह से ये बन गई यहाँ पर. ठीक है, ये फाइनल इमेज हो गई. फाइनल इमेज को नेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं ए डबल डैश, और ये पॉइंट कर देते हैं बी डबल डैश. ठीक है, और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज बीटा. ठीक है, सो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ अ
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट मींस क्या हुआ, यस सर, ये जो ए डबल डैश बना है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगी डी। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज डी। आ रहा है समझ में, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, डी होगी। तो वर्किंग ऑफ यस सर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप थ्योरी तो आप रीड कर लेना, मैंने यहाँ पर इसका रे डायग्राम बताया। सबसे पहले क्या आता है, डिस्टेंस। अच्छा वन मोर थिंग, दिस डिस्टेंस इज यू, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी, यू पी हो जाएगी। ठीक है, ये आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है अपना, ए डैश बी डैश। अच्छा ठीक है, अब देखो इसमें तो वर्किंग में क्या होगा, दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट हेवनली ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे सिचुएटेड है, वहां से रेज आएंगी, रेज पैरेलल टू ईच अदर होगी। तो आई जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। वो आपको दिख रही है इमेज, कैसी बनेगी, यहाँ कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। ठीक है, किसके फोकस पे, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे आपकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, जो कि इन्वर्टेड है। ठीक है, नाउ दिस इमेज इज वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। आई पीस के लिए क्या करेगी ये, किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट के लिए काम, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ये कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, विद इन विद इन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ आईपीस, आईपीस के फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, तभी अपना वो केस लगेगा, जिससे क्या होगी, लार्ज इमेज और मैग्निफाइड इमेज बनेगी। तो फाइनली हमें जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए डबल डैश और बी डबल डैश। सो दिस इज द फाइनल इनलार्ज इमेज। ठीक है, वी विल गेट, ये मिलेगी आपको ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज। ठीक है, सो दिस इज हाउ, दिस है ना, दिस इज हाउ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट is distant at the distant position and final image is formed at the least distance of distinctivity. Now in this case we need to find out the magnification for this astronomical telescope. This astronomical telescope का आपको magnification निकालना है इस case में, ठीक है, जबकि आपकी final image कहाँ बन रही है, least distance of distinctivity पे बन रही है। तो formula तो same है, क्या formula है, angle सर, अगर इमेज उल्टी बनती है या सीधी बनती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या देखने पे? नहीं, इसमें इसी तरह से अगर अपन होती है, में देखें। जो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप है ना आपका, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है। ठीक है, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप सीधा कर देते होंगे साइंटिस्ट, हाँ है ना, पर इसमें जो रे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फाइनल इमेज आपकी फॉर्म होगी कैसी होगी, यानी अब इसमें तो फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, अब जैसे सन या मून को आप देख रहे हो प्लेनेट से, तो उसमें ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है कि फाइनल इमेज क्या बन रही है अपनी, इन्वर्टेड बन रही है ना, एज कम्पेयर जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो आप क्या कर रहे थे, जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स थे उनका मैग्निफाइड करके देख रहे थे, उसमें सीधे पता है कि जो फाइन अपना इनिशियल जो ऑब्जेक्ट था उसकी क्या बन रही है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है ना, तो वो रे डायग्राम से हमें पता ही है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, तो एंगल सबटेंड है ना। अब इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। ठीक है, फाइनल इमेज ऑन आई, ठीक है, फाइनल इमेज ऑन आई व्हेन व्हेन इमेज फॉर्मड एट least distance of distinct vision। ठीक है, एक तो जो फाइनल इमेज आपकी बन रही है, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो उस समय जो एंगल वो सबटेंड करेगा किस पे, आई पर, वो एंगल लेना है आपको एक तो। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है ना, ऑब्जेक्ट है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो अभी हमारे डायग्राम में देखा जाए तो जो फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है वो तो क्या है, बीटा है। ठीक है, और इधर क्या है, ये अल्फा। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू हम लिखेंगे, सो एम इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक
ठीक है, अब ये हमारे पास है ही सही डायग्राम, इससे हमें क्या करना है, अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। जैसे हम फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं कि इन ट्राइंगल लेते हैं, अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए लेते हैं ए डैश ओ बी डैश, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, ठीक है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं टेन अल्फा। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ओ बी डैश, यही होगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ओ बी डैश, है ना। अब ए डैश बी डैश को तो ऐसे रहने दो इसमें। नाउ लेट्स सी ओ बी डैश इज हाउ मच, ओ बी डैश देखो इसमें, तो ओ बी डैश क्या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और वो भी प्लस की आएगी तो ये एफ ओ आ जाएगा। सो दिस इज टेन अल्फा। नाउ अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल, एक बार वापस बता दोगे क्या सर? हाँ अभी वन सेकेंड, बस ये था इनपुट। अल्फा क्या है, वेरी स्मॉल एंगल है, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए डैश बी डैश एंड डिवाइड बाय एफ, ये सेकंड इक्वेशन। तो आपको देखो ये एंगल निकालना है अल्फा, तो अल्फा के लिए ट्राइंगल देखो क्या बन रहा है, ए डैश ओ बी डैश बन रहा है ना, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है ए डैश ओ बी डैश, तो इसमें परपेंडिकुलर तो ए डैश बी डैश आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो क्या ए डैश बी डैश आ जाएगा, और बेस क्या है ओ बी डैश, ओ बी डैश आपका बेस है, और ओ बी डैश कितना है एफ ओ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, और इस डायरेक्शन में क्या वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है आपको बाय अवर साइन कन्वेंशन, वी व्हेन यू गो फ्रॉम ओ टू बी डैश देन वी विल टेक दिस फोकल लेंथ एज पॉजिटिव, तो एफ ओ आ जाएगा वो पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में? हाँ सर, है ना। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, अब हमें बीटा निकालना है, तो देखो इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल ले लो आप ई, या ऐसे करो ए डैश ई बी डैश, ठीक है, ए डैश इन ट्राइंगल ए डैश ई बी डैश, इसमें हमें फाइंड आउट करना है किसको, बीटा को। सो टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें बी डैश, परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश, और ये आ जाएगा बी डैश ई, है ना, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश ई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें भी आपको यही कर रहा है कि ए डैश बी डैश को तो एज इट इज रहने दो और बी डैश ई की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब बी डैश ई देखो कितना है, बी डैश ई जब आप जाओगे तो एक्चुअली आपको ई से बी डैश जाना पड़ेगा, ई से बी डैश जाओगे तो आप अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में जाओगे, है ना, उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो यू ई जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस यू ई आ जाएगा, है ना। नाउ अगेन बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, तो स्मॉल है तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू, माइनस यू आ जाएगा, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन वन कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन अपन लगाते हैं, तो देखो इक्वेशन वन में एम इज इक्वल टू हो गया बीटा बाय अल्फा, तो बीटा तो क्या हो गया आपका माइनस ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई, ठीक है नहीं, और अल्फा जो है वो आपका ए डैश बी डैश, ठीक है, और ये आ रहा है आपका एफ ओ, ये आ गया एफ ओ, तो ए डैश बी डैश है तो इसको हटा दो, तो एम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, एम इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय एफ ई, ये हमने कर दी फोर्थ इक्वेशन, ना ना यू ई है ना, यू ई है अपने पास, ठीक है, ये आ गया, और ये हमने कर दी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें इस यू ई को रिप्लेस करना है इसमें, ठीक है, तो देखो फोर फोर आई पीस, फोर आई पीस अप्लाई, फोर आई पीस अप्लाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं आई पीस के लिए, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ आई पीस के लिए एफ ई आ जाएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, ये हमने लगाया लेंस फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, अब ये किसके लिए लगा रहे हैं अपन, आई पीस के लिए लगा रहे हैं, तो आई पीस के लिए देखो, आई पीस के लिए वी ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सर एक सेकंड रुक जाओ सर, कुछ बाहर डिस्टरबेंस हो रहा है, देख क्या रहा हूं क्या। हाँ अच्छा, ये जो अपन लगा रहे हैं ना लेंस फॉर्मूला, ये लगा रहे हैं आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए वी ई कितना होगा, आई पीस से जो इमेज बन रही है ना वो अपना VE है, तो IP से जो इमेज बन रही है ये इमेज बन रही है फाइनल A डबल डैश B डबल डैश,
तो ये कितनी डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, यानी आईपीस से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है, डी, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस डी आएगा, आया ना समझ में? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो अपन सॉरी एम निकाला था ना अपन ने, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, हाँ, उसका यूज क्या इसको किया अपन? उसको यू ही रिप्लेस करना है अपन को। एक्चुअली अपन को जो आंसर लाना है ना वो लाना है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड डी, लीस्ट डिस्टिंक्टिव जो है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विच, इस फॉर्म में लाने अपने आंसर। यू ई को हटाना है अपन को यहाँ से, ये यू ई है ना, इसको हटाना है यहाँ से, ठीक है ना, सर ये कर रहे हैं अपन, है ना। तो उसके लिए हमने क्या करा, आई पीस पे लेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो आई पीस पे लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आई पीस से जो फाइनल इमेज बन रही है वो बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, डी हो गई, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस का डी आएगा, तो माइनस का डी आ गया। ठीक है, यू ई जो है अपना, यू ई का आएगा आएगा माइनस का आएगा, माइनस का यू ई हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है इस आई पीस के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश, और उसकी डिस्टेंस क्या आ रही है, यू ई, पर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस का यू ई आ जाएगा। अब आप लेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, वन अपॉन एफ ई, ओके, देन वन अपॉन वी ई, वी ई कितना है, माइनस बी है, तो ये माइनस भी आ गया, एंड माइनस वन अपॉन माइनस यू ई, ये आ गया आपका, ठीक है ना। वन अपॉन एफ ई इजिकल टू माइनस वन अपॉन डी, ये बन गया, देन प्लस वन प्लस अपॉन, वन अपॉन म्यू। अब वन अपॉन यू ई हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो वन अपॉन यू ई इजिकल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू रख दो इक्वेशन फोर में, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर जो है इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो देखो एम इजिकल टू माइनस एफ ओ को तो यही रहने दो, और वन अपॉन यू ई की वैल्यू रख दो आप, तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, ठीक है। अब इसमें से यस सर एफ ई का डिवाइड, एफ ई यानी कॉमन ले लो बाहर सब में से, तो एम इजिकल टू आ जाएगा माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। तो ये वन बन जाएगा आपका, और ऊपर आ जाएगा एफ ई डिवाइड बाय डी, तो ये आपका फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो जब आपका जो इमेज है, फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे फॉर्म हो रही है, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज व्हाट, एम इज इक्वल टू माइनस एफ जीरो बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी, ठीक है। इसमें आप देखें कि जो मैग्निफिकेशन है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मैग्निफिकेशन किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आती है तो इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है या इन्वर्टेड होती है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव इन्वर्टेड, हो इन्वर्टेड इन्वर्टेड होती है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है आपको जो है ना, तो जो फाइनल इमेज जो बनती है कैसी बनती है आपकी, इन्वर्टेड बनती है, नेगेटिव साइन बता रहा है। अच्छा, ये एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया, नीचे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ रहा है, अगर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को मैं इंक्रीज करूंगा तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो हमने जब स्टार्ट किया था तब कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर एंड फोकल लेंथ, यानी कि लार्ज फोकल लेंथ, और इसकी क्या होती है, रिलेटिवली लेस होती है। तो आई पीस की फोकल लेंथ हमारी क्या है, जो फॉर्मूला हमारे पास आया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई पीस की फोकल लेंथ तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव जो है उसके फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो योर मैग्निफिकेशन विल इंक्रीज। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब ऐसे सेकेंड केस देखते हैं अपन इसका, केस टू, ठीक है। फिर एक साथ आपके कुछ जो भी पॉइंट हो आप बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। केस टू की बात करते हैं, अब केस टू आप जानते ही हैं केस टू क्या होगा। केस टू के केस में व्हेन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इसी को आप कैसे कह सकते हो,
गिवेन आई इज फोकस्ड एट इनफिनिटी, ठीक है। और इसी को एक एक नेम और है इसका, एक नेम और सा आ जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप आई पीस को इस तरह से सेट करो कि जो इमेज है, फाइनल इमेज है, वो कहाँ बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, रे डायग्राम देखते हैं इसका, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफिनिटी। तो बहुत ये भी इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हो तो इसको भी आसानी से आप बना लो। सबसे पहले आपको वही ऑब्जेक्टिव में तो कोई चेंज है नहीं, है ना, ऑब्जेक्टिव जो है उसमें तो कोई चेंज है नहीं, ऑब्जेक्टिव में बनाया जैसे आपने, ठीक है। यह हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में या उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। वो आपको रे बनानी है, रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी से रे आ रही है, तो एक रे तो आप ही बना से बनाएंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली ड्रॉ द अनदर रे, ये सेकंड रे बना, तो फर्स्ट जो इमेज फॉर्म होगी थ्रू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दीज रेज आर कमिंग यस सर, फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे पहले बनी थी वैसे ही बनेंगी आपकी, है क्या नहीं। तो हाँ जैसे सर, ये यस यहाँ सर, से यस सर, इसने रिफ्रैक्ट करा, रिफ्रैक्ट करके मान रहे हैं आपने पास करा दी, ऐसे ये जो है ये आगे जाएगा, ठीक है, ये इस जगह पे। देन द इमेज विल फॉर्म एट दिस पॉइंट, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, और उसको वही जैसे हमने पहले मार्क करा था, ठीक है। सो दिस इज ए डैश एंड बी डैश, ओके, एंड दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल क्या रहेगा हमारा, अल्फा रहेगा, ठीक है। अगेन जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज फोकस पर ही बनेगी इमेज, क्योंकि इन्फिनिटी से यस रेज सर, रेज जो आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो इसको हमने एफओ से मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं आई पीस, अब हम क्या बनाते हैं इसमें, आई पीस को ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने आई पीस इधर, तो ये बी डैश फोकस पे है ना? अभी देखो आप 1 सेकंड में इसको ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा आई पीस। हाँ अब अपन बात करते, तो देखो अब ये ए डैश ये जो बना है आपका, ए डैश बी डैश, अब इस ए डैश बी डैश को, दिस ए डैश बी डैश विल वर्क एज अ ऑब्जेक्ट, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। अब इसको एक ऐसी जगह रखना है अपन को, ए डैश बी डैश को, कि अब जो इमेज बनाएगा आई पीस वो कहाँ बने, इन्फिनिटी पर। तो ये ए डैश बी डैश की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बोलो, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यानी हम इस ए डैश बी डैश को कहाँ पर प्लेस करें, आई पीस को कैसे एडजस्ट करें कि इसकी जो अब इमेज बनेगी आई पीस फोकस से फोकस पे, तो ये क्या होगा, फोकस होगा आई पीस का, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, एफ पी आ जाएगा। आई बात समझ में आई रही होगी अब तो, क्लियर है ना। फिर वापस क्या करो, सर, एक रे, वो मेरे को एक चीज पूछनी थी सर, अपन हाँ पूछो, सर जब अपन अब एफओ लेते हैं या एफ ही लेते हैं तो हाँ अपन कहना क्या जाता है, फोकल लेंथ तो कह रहे हैं पर अपन बी डैश को फोकस मान रहे हैं। नहीं, हाँ तो देखो ना, रे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं मैं, तो रे आपकी इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से रे आ रही है तो इमेज तो फोकस पे ही जैसे बनेगी ना पहले आपकी, फोकल इमेज तो लेंथ फोकस, या तो प्लेन ये भी देखो ना, को ये आपकी, कह रहे हो या अगर ये फिर आपकी, ये आपकी फोकल लेंथ थे, इट मीन्स ये फोकस पे थे, इसका जो फोकस है उसी पर तो इमेज बनाई है ना आपने, यस ऑब्जेक्टिव सर, के फोकस पे, ठीक है ना, इस तरह से। तो इमेज जो बन रही है हाँ ये क्या, सर, हाँ ऑब्जेक्टिव के सर, फोकस पे इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो अब ये एफ ई, यानी आप आई पीस के इसको, इसका ऑप्टिकल सेंटर ई कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट इसके बराबर डिस्टेंस पे यहाँ पर हम ले लेते हैं आई पीस का फोकस, ठीक है, आई पीस का फोकस है, एफ ई लिखा हुआ, ठीक है। सर ये नाउ आईपीएस के लिए अभी ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा, शॉप
है ना। अब ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। फोकस पे रहेगा। तो अब देखो क्या करें, अब इससे इमेज फॉर्म करते हैं अपन। तो ये करे तो सीधी ले लेते हैं, ये सीधी रे लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, वो इसके आई पीस के फोकस से जाएगी, इस तरह से निकालते हैं। तो एक रे तो अपने पास ही आ गई, ठीक है। सेकेंड रे जो होगी वो कैसे पास करेंगे अपन, डेट विल इट विल डेट रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ठीक है। ये दोनों रेज जो होंगी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल है। तो आप इनको अगर इफ आई एक्सटेंड देम इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, देन आल्सो इमेज जो होगी इस केस में कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पर, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज अ रे डायग्राम, यस दिस इज अ रे डायग्राम फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन विच द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। इसमें मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लिखेंगे, तो मैग्निफिकेशन विल बी एंगल एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई व्हेन व्हेन इमेज भी किसकी, फाइनल इमेज की बात करते हैं, ठीक है, बाय यस द सर, इन्फिनिटी फाइनल पे जो इमेज, बन रही। ठीक है। सो व्हेन व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म डेट, अब इस केस में अपनी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। और नीचे क्या जी लिखे, एंगल सर, सब एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है, ऑन आई व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ये एंगल तो अपना बीटा ही है और ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो यहाँ से अपन आगे सॉल्यूशन वाह इसका स्टार्ट करेंगे। तो एम इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, डेट फॉर्मूला इज बीटा अपॉन एल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एल्फा एंड, स्क्रीन अटक गई वापस आ रही। हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा। एल्फा एंड बीटा आर, एल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल, एल्फा और बीटा क्या है, स्मॉल एंगल्स, ठीक है, स्मॉल एंगल से। तो ट्राइंगल लेंगे अपन, देखो इसमें, देखो वही पहले जो लिया था वही ले लो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल दिस ए डैश ओ बी डैश, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश में हम फाइंड आउट करते हैं टेन एल्फा। सो टेन एल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश एंड ई, ठीक है, एल्फा निकाल दें अपन, है ना, सर एड, हाँ एल्फा निकाल दें सर था, एड, हाँ बोलो, सर, आपकी स्क्रीन अटक गई थी सर, अभी 1 मिनट से अभी तो ठीक आवाज है, भी नहीं आ रही सर। अभी अभी ठीक है, अभी नहीं आ रहा, अभी हाँ सर, वही, अब आने हाँ लग गई, और फिर वेदर भी सर थोड़ा, आपका फेस अटका हुआ है सर, नेटवर्क अरे प्रॉब्लम है अच्छा, शायद। वेदर थोड़ा, वेदर की प्रॉब्लम है। चलो ऑलमोस्ट फिनिशिंग पर है हम, है ना, देखो कोशिश करो, है ना, देखो रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा। तो ए डैश ओ बी डैश में देखो ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, ओ बी डैश। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय क्या कर दें अपन, ओ बी डैश कर दें, ठीक है। तो ये स्मॉल है, स्मॉल है, तो एल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, और ओ बी डैश जो है ना आपका, ओ बी डैश क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और पॉजिटिव ही आएगी वो, तो ठीक है, उसी सेम डायरेक्शन है, तो ये आ गई, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, है ना। इसके बाद देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब जो ट्राइंगल है आपके पास क्या है, ए डैश ई बी डैश, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डैश ई बी डैश, इसमें आप देखो तो टेन बीटा, आप देखें तो टेन बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए डैश बी डैश एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, ई ई, और देखो ई बी डैश, ठीक है, ये आ जाएगा ई बी डैश, है ना। अब ए डैश बी डैश का तो एज इट इज रहने दो, आप ई बी डी एस जब लोगे ना आप इसमें ई बी डैश, तो उल्टी डायरेक्शन में आओगे, ठीक है,
उल्टी डायरेक्शन में आओगे आप, तो उल्टी डायरेक्शन में एफ ई जो है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, इसको माइनस एफ ई कर देना, ये आपकी बच जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो ये बीटा आ गया आपके पास, एल्फा आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आप वैल्यू पुट करो, तो एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, ठीक है। बीटा इज हाउ मच, बीटा इज ए डैश बी डैश एफ डैश बी डैश डिवाइड बाय माइनस एफ ई, ओके, एंड एल्फा इज ए डैश बी डैश एंड दिस इज एफ टू, ए डैश बी डैश से इसको कैंसिल कर देना, तो फाइनल जो आपका फॉर्मूला आएगा माइनस एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई। सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को सॉल्व करना, ठीक है, ये फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है।